हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून, आगे हमें नए वीडियो के साथ में। और आज हम लोग जा रहे हैं सिमरिया, जो कि हनुमान जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वहां पर हनुमान जी का काफ़ी बड़ा स्टैचू, एक्चुअली एमपी में सबसे बड़ा स्टैचू है वो, 101 फीट ऊँचा। तो वहीं की आज अपनी विजिट है। अदर वे फरासी से वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक खिरसाड़ो होते हुए जो कि कोसमी मंदिर से छिंदवाड़ा को कनेक्ट करता है डायरेक्ट, और एक ये वाला रूट जो कि है शिवपुरी होते हुए जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। और ये देखिए बेवकूफ़ी की हद, मतलब भाई रोड इनके लिए बनी है कि यहाँ पे ये मक्का सुखा सकें, मतलब हद हद चूतिया लोग हैं भाई। मतलब आपको हेलमेट के लिए चालान काट दिया जाएगा, हर चीज़ के लिए चालान काट दिया जाएगा, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए हाँ, लेकिन इस चीज़ का कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से आप गिर पड़ रहे हो गाड़ियों से। पर क्या लोग हैं यार, लेकिन पुलिस का भी उधर ध्यान नहीं जाएगा, बस रोड पे कहीं ना कहीं खड़े होकर के चालान काटेंगे। अभी भी रोड में कहीं मिल जाएंगे अपने को रोकने के लिए। वाह, इस एरिया से आने की, मतलब इस वाले रास्ते से आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहाँ का लैंडस्केप जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मेरे आसपास आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से लगता है ये पूरा एरिया। वाह भाई साहब, मज़ा आ गया। ये वाला टर्न मुझे हमेशा से याद है, यहाँ अपन ज़्यादा कॉर्नर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मुरम जो है वो रेड रोड पर आई हुई मिलती थी, आज नहीं थी हालांकि। वह अभी यहाँ से वो जो भुट्टा होता ना कॉर्न, उसकी खेती हुई थी, यहाँ से पूरा फसल निकाल ली गई, अब कुछ नई फसल यहाँ पे लगाई जाएगी, इसलिए खेत आपको अभी काफ़ी खाली खाली दिख रहे होंगे। छिंदवाड़ा जो है उसको कॉर्न सिटी का तमगा हासिल है, वैसे भी यहाँ पे मक्का काफ़ी संख्या में होता है। आज अपन इतनी, मतलब मैं बहुत साल से GoPro यूज़ कर रहा हूँ, आज पहली बार मैंने वॉइस कमांड दिया है, अच्छा लगा भाई। पहली बार फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। और आप लोगों को ये जगह देख करके, यहाँ की खूबसूरती देख करके अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने ये वाला रास्ता चूज़ किया है। ऑल्दो मैं वहाँ से भी जाता ना, वो भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी बात अलग है। एक तो खाली रहता है ये रोड, ट्रैफिक ना के बराबर रहता है, और जो रोड है वो बहुत अच्छी है, नई बनी हुई है। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी ये वाली जो रोड आप लोग यहाँ से आते हुए देख रहे हो, जो अभी इस वाली रोड में मिलने वाली है, मतलब ये रोड उसमें मिलेगी, तो ये छिंदवाड़ा की रिंग रोड है, जितने भी बाईपास हैं वो यहाँ से कनेक्ट करते हैं छिंदवाड़ा सिटी के लिए। तो एक एंट्री ये वाली है जिससे मैं अभी जाने वाला हूँ, खजरी रोड कहा जाता है इसे। आगे यहाँ पर RTO की बिल्डिंग है छिंदवाड़ा के, ये रहा भैया छिंदवाड़ा RTO। हम लोग पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा की VIP रोड, तो ये कहलाता RTI चौराहा 13, क्योंकि यहाँ से तीन रोड निकलते हैं। ये बन रहा है यहाँ का फ्लाईओवर, अच्छा है भाई, हर जगह हर रोड पर हर सिटी में फ्लाईओवर देखने को मिल रहा है आजकल, सही है, ट्रैफिक बढ़िया से डाइवर्ट हो जाता है, बस जितने जल्दी बने उतना अच्छा। क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं जब 3-1 साल पहले यहाँ आया था तब भी ये बन ही रहा था, भाई साहब बने ही जा रहे हैं भाई। लेट लतीफ़ी का तमगा जब भोपाल को हाथ से ले तो आप क्यों लेना चाह रहे हो छिंदवाड़ा वालों, जल्दी कंप्लीट करो इसको। और ये रही वो वजह जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर बन रहा है, रेलवे क्रॉसिंग, खतरनाक वाला ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे। अभी हम निकल रहे हैं छिंदवाड़ा के हार्ट से, मतलब वहाँ का जो बस स्टैंड है सेंटर में बना हुआ एकदम, इधर का पुलिस ग्राउंड, फुटबॉल प्रैक्टिस वगैरह होते रहती है, परेड होती है। और ये रहा छिंदवाड़ा का फेमस मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, और जैसे कि मैंने आपको परासिया वाले व्लॉग में भी दिखाया था, इस एरिया में राम भगवान को काफ़ी पूजा जाता है। तो ये देखिए बीचों बीच
श्री राम नाम का झंडा लहराता हुआ। अभी यहाँ से हम लोग सीधा लेंगे नागपुर रोड पे, क्योंकि वो जो मंदिर है सिमरिया का वो नागपुर रोड पर ही है। और यार भाई इतनी समझदारी तो दिखाओ कि लेफ्ट लेन को खुला छोड़ो। ये वाला जो एरिया है ना काफ़ी बिजी रहता है छिंदवाड़ा का, मार्केट वगैरह सारे यहीं अंदर हैं लेफ्ट साइड पे मेरे, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक होता है हमेशा ही इस एरिया में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। बाय द वे इस एरिया का नाम बता दूँ, ये है फव्वारा चौक। बढ़ जाइए भैया, बढ़ जाइए और बढ़ने दीजिए। जय बजरंगबली। देख रहे हो ये मूर्ति भी काफ़ी बड़ी है, अभी हम जा रहे हैं वो सबसे बड़ी है एटलीस्ट एमपी में की। ये यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला। ये रहा पोला ग्राउंड। ओ भाई यहाँ मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ गिने चुने, मतलब इतने में से आधा या 1% लोग ही होंगे जो मुझे अभी तक हेलमेट पे दिखाई दिए होंगे। तो छिंदवाड़ा वालों ऐसा मत करो यार, हर चीज़ में आगे निकल रहा, हेलमेट भी पहनो थोड़ा, ट्रैफिक को लेकर के अवेयर रहो। तो हम जिस एरिया से निकल रहे हैं इसका नाम है चंदन गांव, आई थिंक चंदन गांव ही इसका नाम है। तो अभी कंटिन्यू करना है हमें इस रोड पर। मूर्ति काफ़ी पहले से दिखाई दे जाती है क्योंकि उसका जो साइज़ है ना उस वजह से, और ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह तो है नहीं, ना ही उस एरिया में जहाँ पर वो मंदिर है वहाँ कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, तो काफ़ी दूर से वो जो मूर्ति है हनुमान जी का स्टैचू है वो दिखाई दे जाता है। और इसी रोड पर आगे करीब 40-50 किलोमीटर आगे एक और खूबसूरत लोकेशन है जिसका नाम है देवगढ़ फोर्ट। वो एक्चुअली यहाँ का एक अबैंडन्ड फोर्ट है जो कि महाराजा छत्रसाल से रिलेट करता है। किस तरह से करता है, कैसा फोर्ट है, वो सब आप लोग देखोगे वहाँ के ब्लॉग में जब भी मैं वहाँ जाऊँगा। हालाँकि इस बार इस वाली ट्रिप में शायद मैं वहाँ ना जा पाऊँ, अगली बार वहाँ का ब्लॉग ज़रूर आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी ट्रिप्स कहाँ की होते रहती हैं, कहाँ के ब्लॉग में डाल रहा हूँ, किस तरह के, कई बार पूरे ब्लॉग नहीं डालता हूँ तो रील डाल देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सिद्धांत व्लॉग्स के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम वो रिंग रोड से आते ना तो हम लोग यहाँ पर इस रोड को मैच कर जाते जो कि जाता है नागपुर के लिए। तो अभी हमें यहाँ से भी स्ट्रेट ही जाना है, हमें सीधा नागपुर रोड पर कंटिन्यू करना है उस मंदिर के लिए। नागपुर यहाँ से 117। ओके, क्या आप सभी को वो मूर्ति दिखाई दी? पता नहीं गोप्रो दिखा पा रहा है नहीं, बट वहाँ पे सामने बेहद ही खूबसूरत बजरंगबली की एक प्रतिमा है जो कि यहाँ से तो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। चलिए वो ये राइट साइड इसकी पार्किंग है। जी हाँ, यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। ये रही वो मूर्ति, देख पा रहे हो आप लोग? वाह, अल्टीमेट लग रही है ये मूर्ति, देख रहा हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति है। रही टू व्हीलर पार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूँ अभी हनुमान जी के एक मंदिर में जिसका नाम है सिमरिया हनुमान मंदिर, जो कि छिंदवाड़ा से पास में है और आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो बस यहीं आए हैं आज मूर्ति के दर्शन करने के लिए। बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही खूबसूरत है। 101 फीट की मूर्ति में इतनी ज़्यादा सफाई लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और यहाँ पर जिसने भी काम किया उसने काम करके दिखा दिया है कि हाँ इतनी बड़ी स्टैचूज़ जो होते हैं उसमें भी इस तरह की सफाई लाई जा सकती है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का सीन। आसपास का थोड़ा सा और दिखाता हूँ। भाई साहब हमारे जो यहाँ के गार्ड साहब हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी जानकारी दी यहाँ के बारे में। तो अभी मैं एक सिर्फ आइडिया के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए हनुमान जी के पैर हैं और यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, अच्छी खासी हाइट है इसकी। तो आप लोग एक देख पा रहे हो लगभग कितनी बड़ी ये मूर्ति है, 101 फीट की मूर्ति है, एमपी की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, और बेहद खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है। और सिर्फ मूर्ति नहीं, आसपास का एरिया भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि अभी भी स्प्रिंकलर यहाँ पर चल रहे हैं। यदि आप लोग को पास से मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ पूरे में स्प्रिंकलर चल रहे हैं, लॉन वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, प्लांट्स वगैरह सारे अच्छे से कट किए गए हुए हैं, ट्रिम किए गए हैं। तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये जगह को बना करके, ऐसे कई बार होता ना मंदिर बना दिया और छोड़ दिया ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है, मंदिर को बनाया गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया और किया जा रहा है कंटिन्यू।
तो कुछ इस तरह की ये जगह है। चलिए कुछ और शॉट्स आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग आ गए मूर्ति से नीचे जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ हनुमान जी की चालीसा, इधर आरती, यहाँ रामायण जी की आरती वगैरह वगैरह, राम स्तुति, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ राम दरबार का चित्रण किया गया है और ये शिव जी का है स्थान। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, इस पूरे एरिया को काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो ये देखिए, यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छे से स्टूल्स वगैरह, बेंचेस वगैरह बनाए हुए हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ यदि आओ, जैसे भी आओ, तो वहाँ अच्छे से चिल आउट कर सकते हो, लंच वगैरह कर सकते हो। और होटल्स वगैरह सारी चीज़ें, बढ़िया सी व्यवस्था है। यहाँ पीछे सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे शौचालय वगैरह बने हुए हैं, यहाँ जो अपना प्रसाद मिलता है उसकी दुकानें हैं और रिफ़्रेशमेंट का भी जुगाड़ है। और यहाँ से बढ़िया अपनी फैमिली के साथ बैठिए और यहाँ पर इस तरह का व्यू एंजॉय कीजिए। और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, सिर्फ यही नहीं, यहाँ यज्ञशाला बनी हुई है। ये सामने पीछे गार्डन जो है वो पूरा पूरा चारों साइड घूमता है इस मूर्ति के आसपास। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। और यदि इस तरह के व्यूज़ आप लोग देखना पसंद करते हो, मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, पर्टिकुलर इस वीडियो को पसंद कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में और इस तरह के व्यूज़ को हमेशा एंजॉय कीजिए। अगर पीछे आप लोग देख ही पा रहे होंगे बजरंग बली की कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो चलिए, जय श्री राम। और इस नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और याद रखिएगा, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।